आइए आपको बताते हैं मोदी सरकार के देश चलाने का तरीका। जब 50 लाख नए रोजगार पैदा करने की जगह हर साल 2 लाख नौकरियां खत्म होने की नौबत आ जाए तो जोर जोर से भारत माता की जय, भारत माता की जय चिल्लाना शुरू कर दीजिए। जनता खुश हो जाएगी, लोगों को एक नया रोजगार मिल जाएगा। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जब 350 करोड़ रुपए विदेशी दौरों में खर्च करने के बाद भी, पैसे देकर मोदी मोदी चिल्लाने के बाद भी, 3 साल में एक भी बड़ा विदेशी निवेशक भारत आने को तैयार ना हो तो प्रेमी जोड़ों को पकड़कर कूटना शुरू कर दीजिए। जनता को लगेगा कम से कम सरकार भारतीय संस्कृति को तो बचा ही रही है। जब आयात घटने लगे, पुराने मित्र देश दुश्मन देश से करीबी बढ़ाने लगे, पर्यटन चौपट होने लगे, विदेशों में भारत की तुलना सूडान और नाइजीरिया से की जाने लगे तो 3 तलाक पर बहस शुरू कर दीजिए। लोगों को लगेगा सरकार मुस्लिमों को तो सीधा कर ही देगी, भले और कुछ करे ना करे। 3 तलाक, 3 तलाक, 3 तलाक, 3 तलाक। जब सरकारी रिपोर्ट कहने लगे कि भ्रष्टाचार 67% बढ़ गया है तो गाय लेकर जा रहे लोगों को मारना शुरू कर दीजिए। सब समझेंगे ये लोग कम से कम गौ सेवा तो कर ही रहे हैं। जब सैकड़ों करोड़ खर्च करने के बाद भी नदियां ज्यों की त्यों रहे तो नर्मदा सेवा यात्रा और आरती का आडंबर शुरू कर दीजिए। लाखों लोगों को उद्गम स्थल पर बुलाकर भाषणबाजी करिए, लोगों को लगेगा कि आप सच्चे नर्मदा और गंगा पुत्र हो। वो कदम कदम पर साजिश करता है और हम गुमराह होकर ताली बजाते हैं। आखिर क्या हो गया है हमको? हम क्यों नहीं समझना चाहते कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है? सरकार के नाम पर एक सर्कस चल रही है और वो सर्कस हमें अपना किरदार दिखा रही है और हम सबको हकीकत मानकर यकीन करते जा रहे हैं। कब जागेंगे? आखिर कब?